शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है चने की दाल में सौंफ मिलाकर खाने से जवानी बरकरार रहती है सोने से पहले रात को पेशाब कर लेने से कभी किडनी का नुकसान नहीं होता नहाने के बाद काला नमक चाटने से बुढ़ापा देर से आता है बदहजमी की सूरत में बाजरे की रोटी खाओ सुबह के वक्त घास पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने से दिल की बीमारी दूर होती है नीम के पत्ते पिंपल पर बांधने से पिंपल खत्म हो जाते हैं यानी के बाल झड़ते हों तो अंगूर ज्यादा से ज्यादा खाया करें उबुलते हुए पानी में शहद डालने से शहद जहर बन जाता है मलेरिया की बीमारी में तुलसी का इस्तेमाल करने से आराम मिलता है सीने में जलन हो तो गुड़ और गन्ने का पानी मिलाकर पियो सबक पढ़ते वक्त चॉकलेट खाने से सबक जल्दी याद होता है बेसन में मलाई मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा साफ और चमकदार हो जाता है लीमू का अचार खाने से भूख ज्यादा लगती है खाली पेट टमाटर पर काली मिर्च लगाकर खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं शाम को चिकनाई वाली चीजें इस्तेमाल करने से बंदा जल्दी बीमार हो जाता है खून की कमी हो तो गन्ने का जूस पिया कच्चा अमरूद खाने से दांत में कीड़ा नहीं लगता अदरक खाने से जिल्द लाल सुरख रहती है सबस चाय पीने से पेट की चर्बी पिघलती है गाजर खाने से खून पतला हो जाता है गन्ने का रस बदन की एलर्जी को दूर करता है शिमला मिर्च खाने से कैंसर नहीं होता निहार मुंह मिसवाक करने से मैदे की तेजाबियत खत्म हो जाती है जो दिन के वक्त पानी कम पीता है इसकी रंगत काली पड़ जाती है ब्लड प्रेशर का मसला हो तो आलू बुखारा खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है अगर हामला औरत केला खाए तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होती हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मुझे शादी के नाम से भी डर लगता था क्योंकि शादी के नाम पर जो खिलवाड़ लड़कियों के साथ किया जाता था मुझे इससे खौफ आता था यही वजह थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन मेरे बहुत इनकार करने पर भी मेरी शादी कर दी गई मैं अपने कमरे में बैठी बेतहाशा रो रही थी हालांकि आज मेरी शादी की रात थी इस रात हर लड़की बहुत से अरमान और ख्वाहिशात लेकर अपने पिया के घर नई जिंदगी की नई खुशियों से की मंतज़र होती है लेकिन मैं बेतहाशा बेहद परेशान थी मैं इस कदर बदहवास थी थी का शिकार थी कि शोहर की आमद का सोच कर ही मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था मेरा जी चाह कि मैं कहीं छुप जाऊँ जहाँ मेरा शोहर मुझे ना देख सके काश के ये मंज़र मेरी आंखों से गायब हो जाए मेरा दिल इस वक्त किसी बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा था बदहवासी की वजह से मेरे हाथ पांव ठंडे हो चुके थे खौफ के मारे मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था जब कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे शोहर नवाज कमरे में दाखिल हुए इसे देखकर मेरी आँखों से टप टप आंसू बहने लगे खौफ के मारे मैंने अपने बेड की चादर को अपने हाथों से दबोचा मैम जब से गुजर रही थी जैसे जैसे मेरा शोहर मेरे करीब आ रहा था मेरा पूरा वजूद हौले हौले लरजने लगा था मेरे पास आकर बैठ गया कुछ देर मेरे हुसीन चेहरे को बड़ी महवियत से देखने लगा मैं बेहद खूबसूरत थी और यही मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा मसला बन चुका था जैसे ही इसने अपना हाथ मेरे हाथ से में रखा तो इसे इतना सर्द पाकर मुझसे कहने लगा कि क्या बात है रुबीना तुम इस कदर नर्वस क्यों हो अब मैं इसे क्या वजह बताती कि मुझे शादी से डर लगता है मैंने नफ़ी में सर हिला दिया मैंने कहा कि कुछ नहीं वो कहने लगा फिर तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो मैंने धीरे से कहा कि मुझे इस रिश्ते से खौफ आता है मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा मेरा हाथ थाम कर मुझे तसल्ली देने लगा कहने लगा कि परेशान ना हो मैंने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है वो कहने लगा कि इसमें डरने की क्या बात है मैंने कहा कि मुझे खौफ आता है पता नहीं कैसे होगा सब कुछ वो कहने लगा कि देखो इसका एक हल है मेरे पास मैंने पूछा कि वो क्या मेरी इस एक बात को सुनकर इसने मेरे हाथों को थाम कर मुझे तसल्ली दी इसके बाद वो उठकर खड़ा हो गया फिर चलते हुए अलमारी के पास गया अलमारी खोली और एक मेडिसिन लाकर मुझे थमा दी साथ में पानी का गिलास दिया कहने लगा कि यह गोली खा लो मैंने कहा कि यह किस चीज़ की गोली है नवाज़ कहने लगा कि हमारी तमाम परेशानियों का हल इस गोली में है नमाज की बात को मैं समझ नहीं पा रही थी मैं इस वक्त बेहद घबराई हुई थी खौफ से मेरी जान निकल रही थी मैं सोचने लगी कि आखिर मेरी परेशानियों का हल ये एक गोली कैसे हो सकती है बहरहाल मैंने गोली खा ली नवाज मेरे क़रीब आने लगा इसने मेरे दोनों हाथ को थामा और अपने होंठों पर लगाया मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा मैं यूं थी कि जैसे मुझ पर लर्जा सा तारी हो चुका था आहिस्ता आहिस्ता नवाज़ ने मुझे अपने हसार में ले लिया मगर मैं खौफ के मारे अपना आप इससे छुड़वाने लगी लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी आंखों में एक खुमारी सी उतरने लगी है मैं नींद की आगोश में जाने लगी मैं चाह कर भी ख़ुद को जगा नहीं पा रही थी कुछ ही पल लगे थे कि मैं गहरी नींद में जा चुकी थी मेरी शादी से चंद दिन पहले मेरी सहेलियां मुझे लेकर बैठ गईं जो कि पहले से शादीशुदा थीं मुझसे कहने लगीं कि चंद दिन बाद तुम्हारी भी शादी होने वाली है इसलिए ज़रूरी है कि हम तुम्हें इस रिश्ते के बारे में आगाह करते हैं मैं शादी के रिश्ते से बिल्कुल नावाकफ थी इसलिए जब मेरी दोस्तों ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया तो मुझे इस रिश्ते से खौफ सा महसूस होने लगा शायद इनके बताने का अंदाज़ ही कुछ ऐसा था कहने लगी कि शोहर अपनी बीवी पर शादी की रात बिल्कुल भी रहम नहीं खाता और तुम दो खीर मनाओ तुम्हारा हसीन रूप देखकर तो तुम्हारा शोर तुम्हारे साथ ये कहकर वो मुस्कुराने लगी और मेरा दिल धक धक करने लगा इनकी ऐसी बातें मेरा होश उड़ाने लगी शादी की रात को जो नक्शा मेरे दोस्त ने मुझे बताया था मुझे इस रात से खौफ आने लगा जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे मेरा दिल चाहता था कि मैं कहीं छुप जाऊँ इसलिए शादी की रात अपने शोहर की आमद पर मैं बेहद डरी डरी हुई और घबराई हुई थी पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा लेकिन नवाज़ ने ले। मेरी बात को सुनकर इसे समझने की कोशिश की इसने शायद मुझे नींद की गोली खिलाई थी जिसे खाते ही मैं कुछ ही देर में सो चुकी थी मुझे अपनी शादी की रात बिल्कुल भी याद न थी हाँ इतना एहसान था हाँ इतना एहसास था कि मेरा शोहर मुझसे अपना हक वसूल कर चुका है लेकिन सच तो शायद इतना भयानक था कि मेरी सोच भी इस हद तक पहुँच नहीं सकती थी बहरहाल जब मैं सुबह उठी तो मेरा पूरा वजूद दर्द से चूर था मैंने करवट बदली तो मेरी कमर में शिद्दत से दर्द उठा और मैं दर्द से कराह उठी मेरे साथ लेटा हुआ मेरा शोहर फौरन से उठ बैठा कहने लगा कि क्या हुआ है तुम्हें मैंने कहा कि पता नहीं मेरा सर बहुत भारी हो रहा है याद करने के बावजूद भी मुझे ये रात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने चकराते सर को पकड़ूं या फिर अपनी दुखती कमर को मैंने बेड पर नज़र दौड़ाई तो मेरे हाथ में पहनी कांच की चूड़ियाँ टूटकर बेड पर बिखरी पड़ी थी मैंने बमुश्किल अपना तकिया बेड के ग्राउंड्स के साथ लगाया हाथों को बेड पर रख कर बमुश्किल उठ कर बैठ कर ग्राउंड से टेक लगा कर बैठी थी मेरे बाल खुले हुए थे और मेरी बिखरी हालत मुझे इस बात का एहसास दिला रही थी कि मेरे शोहर ने मेरे साथ नर्मी वाला मामला नहीं किया था मैं चाह कर भी अपने दर्द की शिद्दत को जबत नहीं कर पा रही थी इसलिए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे मुझे यूं रोता देख कर नवाज भी उठ कर बैठ गया कहने लगा देखो ये सब तो होता ही है तुम्हें अपने आप को इस बात का आदि बना लेना चाहिए अब खूबसूरत बीवी हो तो इंसान कैसे अपने जज्बात पर काबू पा सकता है फिर तुम रात को बहुत ज़्यादा खौफ लग रही थी मुझे लगा अगर मैंने तुम्हें मेडिसन ना दी तो तुम मुझे अपने क़रीब भी नहीं आने दोगी और मैं अपनी ये रात बर्बाद नहीं करना चाहता था ये कहकर वो उठकर वॉशरूम में चला गया लेकिन मुझे अपना वजूद इस काबिल भी नहीं लग रहा था कि मैं उठकर खड़ी हो पाऊंगी नवाज़ अपने घर में अकेला रहता था इसके वालदे हयात न थे पहले तो मेरे वालद इस रिश्ते पर राज़ी ही ना थे कहने लगे कि अकेला अकेला लड़का है हमें तो ऐसे रिश्ते समझ में नहीं आते लेकिन फिर मेरी वालिदा कहने लगी कि ये नौजवान अच्छा खासा कमाता है अपना घर है अब अगर इसके वालिदैन हयात नहीं है तो इसमें इसका क्या कसूर है आपने अच्छे से छानबीन भी की करवाई है इस रिश्ते में किसी ने कोई भी बुराई या नुक्स नहीं निकाला अच्छा मेरी बेटी पर ससुराल का बोझ नहीं होगा मैं नहीं जानती थी कि शादी की रात ही मेरी ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं खड़ी होने से भी कासिर हो जाऊंगी नमाज नमाज जब नहाकर बाहर आया तो मुझसे कहने लगा कि देखो मेरे घर में तुम्हारी खिदमत करने के लिए फिलहाल कोई नहीं है इसलिए घर को तुम ही संभालो मुझे इसकी बात पर एतराज़ न था लेकिन मुझे अपना आप इस वक्त इस काबिल नहीं लग रहा था कि मैं उठकर नाश्ता बना सकूं मुझे ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया कि जल्दी सूट कर जल्दी से उठकर बाहर आओ मेरे लिए नाश्ता बनाओ जब मैं बेड से उठकर खड़ी हुई तो मेरी कमर में यूं टूटी हुई थी कमर पर हाथ रखा ना चाहते हुए भी कमरे से बाहर निकल गई नवाज लाउंज में ही बैठा फ़ोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रहा था लेकिन जो बात है वो कर रहा था इसने मुझे शर्म से पानी पानी किया था वो गुज़री हुई रात के लम्हात न जाने किस से बता रहा था वो भी बड़े बेबाक अंदाज में फ़ौरन से नजरें झुकाए किचन में चली गई बामुश्किल ही मैंने अपना नवाज़ का नाश्ता बनाया और नाश्ते के दौरान मैंने झिझकते हुए नवाज से ये बात कही थी कि मैंने कहा नवाज मेरी कमर में बेतहाशा दर्द है इसलिए मैं शायद रात को आपको वक़्त ना दे सकूंगी नवाज इस वक्त चाय पी रहा था मेरी बात सुनकर इसका कप होंठों के करीब जाते हुए रुका कहने लगा देखो मैं तुम्हारे इस तरह के एक्सक्यूज नहीं सुन सकता मुझे हर सूरत बहुत जल्द औलाद चाहिए इसलिए मैंने तुमसे शादी की है इसकी बात सुनकर मेरा दिल है बेचैन सा हुआ था मैं नहीं जानती थी कि रात को मेरे साथ क्या हुआ लेकिन जो हालत मेरी इस वक्त थी मैं शायद मज़ीद इस बात के मुतहमिल ना थी लेकिन मुकाबिल शख्स मेरी हर अजियत से बेखबर बस अपनी ही मनमानी करता करना चाहता था जैसे ही रात हुई मुझे लगा मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो और रात को फिर नवाज़ ने मुझे एक दूसरी मेडिसन दी मैंने कहा कि मुझे नहीं खानी कहने लगा कि यह नींद की दवा नहीं है मैंने कहा फिर यह किस चीज़ की दवा है मैंने कहा किस चीज़ की दवा है तो वह जल्दी से हामला हो जाने के लिए है यह सुनकर तो मैं कुछ देर तो इसकी शक्ल देखती रह गई आखिरी से किस बात की जल्दी थी मेरी शादी को कौन से तीन चार साल बीत चुके थे अभी मेरी शादी को चार दिन भी नहीं गुज़रे थे और वो मुझे हामिला होने की मेडिसन देने लगा था मैंने कहा कि अभी तो हमारी शादी को एक माह भी नहीं गुज़रा वो कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मुझे कितनी शिद्दत से औलाद की ख्वाहिश है मैं नहीं चाहता कि मज़ीद वक़्त ज़ाया हो और एक साल में पहले ही तो ये देखता रहा हूँ कि तुम्हें औलाद हो सकती है या नहीं और फिर मैं तुम्हें मेडिसन खिलाऊं यह कह कहकर इसने वो मेडिसन मेरे मुंह में डाल दी और पानी का गिलास मेरा हाथ में थमा दिया मैंने पानी पीकर वो दवा अपने अंदर उतारी लेकिन मुझे हैरत इस वक्त हुई जब गुजशत रात वाली गनूदगी मुझ पर फौरन से जाने लगी इस वक्त मेरा दिमाग काबिल नहीं था कि मैं ये बात सोचती कि अगर ये दूसरी मेडिसन थी तो मुझे गंदूदगी क्यों हो रही थी मुझ पर क्यों इतनी शिदत से नींद तारी होने लगी थी कि मैं गहरी नींद में जा चुकी थी लेकिन इस बार गहरी नींद और बेहोशी के आलम में भी अपनी चीख़ें मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी क्योंकि मेरी कमर में शदीद दर्द उठता था दर्द की इतनी शिद्दत थी गहरी थी कि नींद के बावजूद भी मैं रो रही थी इस बार मेरी आँख दर्द की वजह से जल्द खुल गई और इस वक्त मेरी कमर में इतना दर्द था कि मैंने नवाज़ को उठा दिया मैंने कहा कि मेरी कमर में बहुत तकलीफ़ है मुझसे सही नहीं जा रही खुदारा मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ लेकिन वो बेजार सी सूरत बनाकर कहने लगा कि हम भी तो दिन भी नहीं चढ़ा तो तुम क्यों मेरी नींद का बेड़ा गर्क कर रही हो मैं तुम्हें पेन कलर देता हूँ वो खा लो इसने मुझे एक और दवाई दी जिसे खा कर मेरे दर्द में बस ज़रा सा फ़र्क हुआ इतना कि मैं सो गई लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठी दर्द की शिदत फिर से बढ़ने लगी अब तो ये रोज़ का मामूल बन गया था मुसलसल आठ दिन मैंने इसी तकलीफ़ से दो चार थी कि नवाज़ को तो जैसे मेरी किसी तकलीफ़ का कोई एहसास ही ना था एक दिन वो ऑफिस से वापस लौटा तो मैंने कहा कि मुझे मैं छोड़ दो मुझे नवाज ने दूर रहने का बस यही एक बहाना सूझा था वो कहने लगा कि सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक मेरी औलाद नहीं हो जाती मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर इसे औलाद की इतनी जल्दी क्यों है हर चीज़ अपने वक़्त पर ही होती है और औलाद का हो जाना मेरे अख्तियार में तो नहीं है आठ दिन में मेरा यह हाल हो चुका था कि मैं चल फिर भी नहीं पा रही थी पेन किलर खा कर भी अब तो मेरा मैदा डिस्टर्ब हो चुका था मैं नवाज़ से डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती तो इस बात पर भी मैं ही मानता कहता था कि डॉक्टर भी तुम्हें पेन किलर ही देगी लेकिन एक बार जैसे ही वो घर से बाहर गया मैंने अपनी वालिदा को बुला लिया इनके साथ में एक लेडी डॉक्टर के पास चली गई मैंने इससे कमर दर्द की शिकायत कर कहा मेरा हाथ अभी भी अपनी कमर पर ही था आठ दिन से मुसलसल ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही थी मेरी डॉक्टर कहने लगी कि जो बात मुझे डॉक्टर ने बताई वो सुनकर तो मैं सांस लेना ही भूल गई मैंने नफ़ी में सर हिलाया मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता आपको कोई गलत फहमी हुई है वो कहने लगी कि मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं इसीलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है फिर वो मुझसे पूछने लगी कि क्या तुम इस वक्त होश में होती हो जब तुम्हारा शोहर तुम्हारे साथ करीब आता है मैंने नफ़ी में सर हिलाया क्योंकि नवाज़ तो रोज़ मुझे जल्द हामला हो जाने की दवाई देता था जिसको खाते ही मैं गनूदगी में चली जाती थी लेकिन ये बात लेडी डॉक्टर ने मुझसे कही मुझे इसकी बात सुनकर नवाज़ पर शक होने लगा वो कहने लगी कि अगर तुम्हारे शोहर को तुमसे मोहब्बत है तो वो तुम्हें नींद की दवा देकर क्यों रिश्ता कायम करता है इसकी क्या वजह है इस तरह के सवालत सुनकर मुझे नवाज़ पर शक सा होने लगा लेकिन ये मैं कैसे जान सकती थी कि क्या सच है क्योंकि मैं इसे पहले भी कई बार ये मेडिसन खाने से इनकार कर चुकी थी लेकिन वो मेरी एक बात भी नहीं सुनता था ज़बरदस्ती वो मेरे मुंह में मेडिसन डाल देता और पानी का गिलास मेरे लग, मेरे लबों पर लगा देता अपने सामने वो मुझे मेडिसन खिलाता था डॉक्टर कहने लगी कि अच्छा ऐसा करो कि तुम मुझे इस मेडिसन का नाम बताओ तब मैंने सोचा कि मुझे तो इस मेडिसन के बारे में कुछ इलम ही नहीं है आज तक नवाज ने मुझे वो मेडिसन दिखाई ही नहीं है वो तो अपनी अलमारी में से वो दवा निकाल कर मुझे देता था लेकिन मैंने जब यह बात लेडी डॉक्टर को बताई तो वह हंसने लगी कहने लगी कि ऐसी कौन सी दवाई है जो तुम्हारा शोहर इतना छुपा के रखता है और रोज़ाना तुम्हारे इनकार करने पर भी तुम्हें खिलाता है तुम अपने शहर की हरकतों पर ज़रा गौर करो तो तुम्हें मेरी बात अच्छी तरह समझ आ गई डॉक्टर मुझसे ये सारी बातें कर रही थी मैं इस वक्त अकेली इस लेडी डॉक्टर के कमरे में थी मेरी वालिदा कमरे से बाहर बैठी हुई थी इसलिए हर बात से अनजान थी मैं गायब दिमाग में ही अपने घर पहुंची। मेरी वालिदा मुझसे कहने लगी कि तुम अपना ख़्याल क्यों नहीं रखती तुम्हारे सर पर तो सास ससुर और नंद देवर की जिम्मेदारी भी नहीं है तुम्हारा शोहर भी तुमसे मोहब्बत करता है आठ दिन में तुमने अपनी क्या हालत बना ली है तुम्हारी तो रंगत भी बिल्कुल पीली पड़ चुकी है अब मैं अपनी वालदा को क्या बताती कि मैं किस बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ मेरे शोहर किसी वहशी जानवर से कम न था रात को मुझे नींद की दवा खिलाकर मेरे साथ खिलवाड़ करता था और मेरी वालदा मुझे नसीहतें करके अपने घर जा चुकी थी मैं पूरा दिन डॉक्टर की बातों को सोचती रही लेकिन मेरे पास इस बात का कोई हल न था और यही ऐसी बात थी कि मैं नवाज़ से कह नहीं सकती थी मुझे अपना आप बिल्कुल बेबस सा मालूम हो रहा था मेरा जी चाह कि मैं अपनी वालिदा के साथ ही इनके घर चली जाऊँ लेकिन मेरी वालिदा और मुझे कभी भी मेरे शोहर की इजाज़त के बग़ैर अपने घर लेकर नहीं जानती। समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैं क्या करूं, क्या ना करूं। फिर मेरे जहन में आया कि अलमारी खोलकर देखती हूं, आखिर नवाज़ मुझे कौन सी मेडिसन खिलाता है मैं फ़ौरन से उठकर कर खड़ी हो गई और धीरे धीरे से चलती हुई कमरे में आई और नवाज़ की अलमारी खोली सामने ही इसके कपड़े पड़े हुए थे मैंने एक एक जोड़ा उठा कर देखा लेकिन मुझे वो मेडिसन कहीं ना मिली फिर मैंने ज़रा भी देख फिर मैंने दराज़ भी देख लिए इसमें भी कुछ नहीं था लेकिन कोई मेडिसन नहीं थी लेकिन जब मैंने नीचे लॉक को तो खोलना चाहा तो वो लॉक था मैं समझ गई कि वो दवाई नवाज़ ने इसी लाकर में रखी है रात को जब नवाज़ वापस आया तो इसे खाना दे दिया लेकिन मेरी भूख दो जैसे उड़ चुकी थी मैंने खाना नहीं खाया रात को सोते वक़्त महदूध का मैंने दूध का गिलास पी लिया और इससे पहले कि नवाज़ कमरे में आता मैं फौरन से बेड पर जाकर लेट गई और अपनी आंखें बंद करके ताकि नवाज़ को लगे कि मैं सो चुकी हूँ हो सकता है कि मुझे सोया हुआ देखकर वो मुझे मेडिसन ना खिलाए और ना इस पर नींद तारी हो आखिर वो रात को मेरे साथ करता क्या है कुछ ही देर बाद नवाज कमरे में आया मुझे बेड पर सोता देख कर करीब आया बाजू से मुझे हिलाकर उठाने लगा कहने लगा कि उठकर बैठो मैंने आंखें खोली तो नवाज माथे पर तेवर चढ़ाए मुझे देख रहा था मैंने कहा कि नवाज मुझे नींद आ रही है मैं सोना चाहती हूँ मेरी कमर में शदीद दर्द है मेरी बात सुनकर नवाज़ कहने लगा कि यह बहाने तुम मेरे सामने मत लगाओ मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे हर कीमत पर औलाद चाहिए चलो उठो मेडिसन खाओ मैं उठकर बैठ गई मैंने कहा कि आखिर आपने मेडिसन अपनी अलमारी में छुपा के क्यों रखी है मेरी बाकी मेडिसन के साथ रख दे मैं खुद खा लिया करूँगी मेरी बात सुनकर इसने बड़े ताजुब से मुझे देखा कहने लगा कि तुम ये कैसे जानती हो कि मैंने तुम्हारी मेडिसन को अलमारी के लाकर में रखा है मैं इसकी बात सुनकर घबरा गई जल्दबाजी में शायद मैंने कुछ गलत कह दिया था मैंने कहा कि ऐसे ही नहीं मैंने सोचा कि आज मैं खुद मेडिसन खा लूँ मैंने आपकी अलमारी देखी तो कहीं भी नहीं मिली वो दवाई मुझे मौजूद नहीं थी लेकिन मुझे लगा कि शायद आपने खुद को लाकर खुद लाकर में रखी है मैंने एक बहाना तराशा था वो कहने लगा कि तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मैं वो दवाई रोज़ाना तुम्हें खिलाता हूँ और जब तक बच्चा नहीं हो जाता मैं वो तुम्हें खिलाऊंगा मैंने कहा कि नवाज़ मुझे पेट में बहुत दर्द है आप क्यों मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहे और बच्चा पैदा करने के लिए एक मुकम्मल ट्रीटमेंट होता है वो कोई डॉक्टर ही मुझे बता सकती है जो खुद ही से मेडिसिन खाना ठीक नहीं होता मैंने सोचा कि शायद मेरी इस बात पर नवाज़ मुझे वो दवाई ना दे लेकिन वो कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि वो दो हर औरत को हामला करती है और तुम्हें किसी भी डॉक्टर से कोई इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं तुम बस मेरी बात मानो तुम्हारे लिए वही काफ़ी है मैंने कहा कि मैं आज कोई भी दवाई नहीं खाऊंगी मेरा ये कहना था कि नवाज़ का पारा हाई हो गया और इसने मुझे ज़बरदस्ती दवाई खिलाई और दवाई खाने के बाद फिर से मेरी वही कैफियत होने लगी सुबह मैं अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो रही थी अगर यही हाल रहा तो मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी इसलिए मैंने एक तरकीब लड़ाई और रात के वक़्त मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया और ऐसी जगह पर रखा यहाँ पर मेरा बर्ड आसानी से नजर आ सके आ रात को नवाज़ फिर से मुझे दवाई खिलाई और मेरी वही कैफियत होने लगी सुबह जब मैं उठी तो नवाज ऑफिस जाने का इंतज़ार करने लगे जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो मैंने जल्दी से वो कैमरा उठाया और इस पर लगी वीडियो देखने लगी जैसे ही देख मेरे तो होश उड़ गए मैंने वो पूरी वीडियो भी नहीं देखी थी कि मोबाइल को बेड पर एक तरफ फेंक दिया और अपने चकराते हुए सर को पकड़ करने लगी जो कुछ मेरे साथ मेरे शोहर रात में करता था वो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती इससे पहले कि मैं नवाज आपस में अपने वालदे को अपने घर मुलाक लिया सारी सच्चाई इन्हें बता देती फिर ये सुनकर तो मेरी माँ रोने लगी मेरे वालद अपना सर पकड़ कर बैठ गया क्योंकि नवाज एक नामुकम्मल इंसान था वो इस काबिल ना था कि औलाद पैदा कर सकता बल्कि वह इस काबिल भी नहीं था कि बीवी के पास आ सकता मुझ पर यह रूप जमाने के लिए मुझ पर यह रोब जमाने के लिए यह साबित करने के लिए कि वो एक मुकम्मल मर्द था रात गुजारने के लिए अपने दोस्तों को मेरे कमरे में भेज देता था जो मेरे साथ सफाकी से सलूक करते और मेरे वालिद ने तो नवाज़ पर केस कर दिया मुझे ख़ला भी दिलवा दी नवाज़ की इन्वेस्टिगेशन की तो मालूम हुआ कि इसकी पहले भी शादी हो चुकी है और इसकी बीवी ने इससे इसी बात पर खला थी कि वो नामकम्मल है और औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है शायद मैं इसी जहानत को छुपाने के लिए और अपनी बीवी पर यह साबित करने के लिए कि वो औलाद पैदा कर सकता है इसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बना के रख दिया जब मैं लेडी डॉक्टर के पास गई तो इसने मुझसे यही कहा कि तुम्हारे साथ रेप हो रहा है और करने वाले एक से लोग हैं इस वक्त मैं ये सुनकर जबत से गुजर रही थी कि काश ये बात झूठ हो लेकिन नवाज़ मुझे हामला करने के लिए नींद की दवाई देता था ताकि मेरे साथ ये घटिया खेल खेल सके और अपनी अना को तस्कीन पहुँचा सके अपनी पहली बीवी पर यह जिताने के लिए कि यह मुकम्मल है इसने ये मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मजीद ऐसी स्टोरी सुनने के लिए साथ में मौजूद बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें शुक्रिया